नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के में तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका तेरह जुलाई और तेरह जुलाई को आपका डी ट्रिपल एस मेट्रोन का एग्ज़ाम था जो कि सिर्फ फीमेल कैटेगरी के, के लोगों का था ठीक है तो उनका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है तो फर्स्ट में आपके जीके जी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न वो मुझे मिल गए हैं इससे पहले आपका ये एग्ज़ाम सात जुलाई को हुआ था ठीक है तो सात जुलाई का जो एनालिसिस है वो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जाकर देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के सेक्शन में जाइएगा तो ऑटोमेटिक वो सात जुलाई में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का तो आज कैसा कैसे प्रश्न पूछे गए थे तो चलिए शुरू करते हैं इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप लोगों का जिनका भी एग्जाम है डी ट्रिपल एस एसवी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो टी का हो मेट्रॉन का हो या कोई का हो तो आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका प्रश्न बार बार रिपिटेट होता है ठीक है तो पहला जो प्रश्न आपका है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे ठीक है तो आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो उसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो कि किया गया था ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में की गई थी अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले भारतीय सैनिक कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों ने युद्ध में बंदी बना लिया था और उन्हें एक जापानी सेना अधिकारी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ काम के लिए राजी किया उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए और उनकी सबसे प्रसिद्ध घोषणाओं में एक एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा और ए ए ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो इसको भी आप याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आपका आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है जो कि आपका किया गया था ठीक है लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपका आजाद हिंद फौज में कैप्टन मोहन सिंह था ही नहीं तो अगर कैप्टन मोहन सिंह ना होगा तो इसका राइट आंसर आपका रास बिहारी बॉस हो जाएगा इसको भी आप ख्याल रखिएगा ठीक है वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं टेस्टबुक पर चल रहे है, हैप्पी आवर सेल के नाम से एक दोस्तों आपने महाभारत का एक डायलॉग सुना होगा कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनुभूमि में किया जाता है ठीक है तो रणभूमि का अर्थात आपका एग्ज़ाम सेंटर है और युद्ध का मतलब आपका एग्ज़ाम है उससे पहले मनुभूमि में यानी मनुभूमि की बात करते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम से पहले इतना ना एग्ज़ाम दे ही लेना है कि आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम लग ही ना ठीक है और ये सभी प्रोवाइड आपका टेक्स्ट बुक रहता है अभी इस पर हैप्पी आवर सेल चल रहा है यहाँ पर आपको यल्ली का टेस्ट बुक जो पास प्रो है मात्र आपको पाँच में कूपन को डीपी के साथ यूज़ करते हैं तो बारह का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है बुक पर आपको डी ट्रिपल एस एस बी से रिलेटेड सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और पी वाई पीज मिलेंगे ही मिलेंगे यानी कि प्रीवियस पेपर इसके साथ ही आप अगर एस एस सी की तैयारी करते हैं बैंक का तैयारी करते हैं रेलवे का तैयारी करते हैं या डिफेंस लेवल के एग्जाम का को कोई तैयारी करते हैं या आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम तैयारी करते हैं उन सब एग्जामों का मॉक टेस्ट और पी वाई पी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं साढ़े आठ सौ प्लस एग्जामों का अस्सी हज़ार प्लस मॉक टेस्ट और सत्रह हज़ार प्लस पी आपको मात्र मात्र पाँच सौ रुपये मिल रहा है एक साल के एबिलिडरी के साथ और कूपन कोड आप ए यूज़ करते हैं तो आपको बारह परसेंट का ऑफ मिलता है साथ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ से इनका फुल रिफंड भी ले पाते हैं अपना ठीक है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कॉमेंट सेक्शन में भी पिन क्या वर, क्या हो रहेगा तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा ठीक है ये ऑफर आपका आज भर के लिए ही है ठीक तो है तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो अगला जो प्रश्न हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ की बात करेंगे तो इसका करेंग राइट आंसर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा ठीक है भारत के संविधान के अनुच्छेद साठ के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यों के निर्वहन की शपथ लेता है शपथ के साथ साथ संविधान की रक्षा परिरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करने का भी शपथ शामिल है इसके इस अर्थ में इस अर्थ में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में शपथ लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपका भारतीय संविधान में कुछ शपथ ग्रहण और त्यागपत्र से संबंधित कुछ बातें हैं जो किसको कौन शपथ दिलाता है और वो अपना त्यागपत किसको दे सकता है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं तो राष्ट्रपति को शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दोस्तों आपको दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो सबसे ईर्ट न्यायाधीश होंगे वो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सीजीआई की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल की बात करते हैं तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री की बात करते हैं तो इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं बिहारी में अठारहवीं लोकसभा का शपथ समारोह हुआ था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद जो सदस्य होते हैं वो तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई नियुक्त व्यक्ति के द्वारा राज्य के विधायक की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद मंत्री की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की बात करते हैं तो जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उसको उन्हीं के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा अब बात कर लेते हैं त्यागपत्र के बारे में कि कौन किस को त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो ये आपका उपराष्ट्रपति को देगा उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देगा यदि आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देगा राज्यपाल को त्यागपत देना होगा तो ये भी राष्ट्रपति को देगा और हाई कोर्ट के जज को अगर त्यागपत्र देना होगा तो ये भी आपका राष्ट्रपति को ही देगा लोकसभा के अध्यक्ष को अगर त्यागपद देना होगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत देना होगा तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को देगा इसके अलावा राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनको अगर त्यागपत देना होगा तो सभापति को देगा संसद के सदस्य आपको किसको त्याग पत्र दे सकते हैं तो संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकते हैं विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसको देगा और वहीं पर विधानसभा का उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना होगा तो विधानसभा के अध्यक्ष को देगा विधान परिषद के सभापति की बात करते हैं तो उपसभापति को और विधान परिषद के उपसभापति को त्याग पत्र देना होगा तो यह आपका सभापति को देगा इसके अलावा लोकसभा आयोग के सदस्य की बात करते हैं तो ये अपना शपथ त्यागपत्र आपका राष्ट्रपति को देंगे और लोक सेवा के आयोग के सदस्य की बात करते हैं तो अपना त्यागपत्र राज के राज्यपाल को देंगे इन सभी बातों को आप याद रखिएगा यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला आरक्षण विधेयक यानी कि एक सौ जो संविधान संशोधन था जो कि 2023 में आया था वो किससे संबंधित है तो इसकी बात करते हैं तो ये सौ आपका महिला आरक्षण से संबंधित है जिससे अब इसे आधिकारिक तौर पर आपका एक सौ संशोधन के अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया है ठीक है इस संशोधन के अंतर्गत प्रावधान किया गया है यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक राजपत्र पर अधिसूचना निर्धारित किया जाएगा ठीक है इस महीने की शुरुआत में संसद के एक विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया था इसके तहत क्या होगा इसके तहत लोकसभा या राज्य के विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा ठीक है राष्ट्रपति के द्वारा अट्ठाईस सितंबर दो को इस पर साइन किया गया था ठीक है अभी यह लागू नहीं हुआ है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि केंद्र सरकार जब राजपथ या अधिसूचना के द्वारा इसको लागू करेगी तब उस तारीख से आपका लागू होगा इस बात को याद रखिएगा अगला है कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया है तो दिल्ली के हौज खास की बात करते हैं तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था हौज खास दक्षिण दिल्ली में हौज खास परिवार में एक पानी की टंकी है एक मदरसा एक मंदिर एक मकबरा एक शहरीकृत गांव के चारों ओर बने मंडप है जिसका मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत के शासन काल की तेरहवीं शताब्दी का है यह अलाउद्दीन खिलजी राजवंश जो कि बारह से लेकर तेरह सोलह तक दिल्ली सल्तनत यानी कि खिलजी वंश का शासक था उसके द्वारा ये बनवाया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हज सुविधा ऐप को किसने लॉन्च किया है तो हज सुविधा ऐप की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने स्मृति ईरानी की बात करेंगे तो जब ये आपका हज सुविधा ऐप लॉन्च हो रहा था उसमें आपके केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थी लेकिन अब यह कुछ नहीं बन कुछ नहीं है क्योंकि आपका सत्तरवीं लोकसभा में थी लेकिन अठारवीं लोकसभा में इन्होंने आपको मालूम होगा ये चुनाव हार गए थे ठीक है तो इनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज यात्री यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया था साथ ही हज गाइड चौबीस भी जारी किया था इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हज यात्रा को सुचारू और अनुकूल बनाने के लिए एन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने निरंतर प्रयास किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सती प्रथा जो कि लॉर्ड विलियम मैंटिक के द्वारा सन अट्ठाईस में हटाया गया था उसको किसकी सहायता से या किसका योगदान उसमें ज्यादा जाद, सबसे ज़्यादा था तो इसका राइट आंसर था आपका राजा राम मोहन राय ठीक है ठेके? जब सती प्रथा को लॉर्ड विलियम मेंटिक ने अठारह सौ ईस्वी में हटाया था तो उसमें हटाने के पीछे जो पीछे यानी कि बैकग्राउंड में जो काम कर रहे थे वो आपके राजा राम मोहन राय जी ही कर रहे थे राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कार्य किया था उन्होंने बहुविवाह बाल विवाह पर्दा सती प्रथा के विरुद्ध कार्य किया यह उनका कार्य भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था तो इस बात को याद रखिएगा इसके अलावा सती प्रथा को अठारह में समाप्त किया गया था और ये लॉर्ड जो विलियम मैंटिक था अठारह से लेकर अठारह तक का भारत का पहला गवर्नर जनरल था इसी के गवर्नर जनरलशिप में सती प्रथा को समाप्त किया गया था इसके साथ ही

रल तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है ठीक है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि नीलगिरी तहर है जो कि डैश राज्य में पाया जाता है तो नीलगिरी तहर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा नीलगिरी तहर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका एक बकरी है और नीलगिरी तहर एक भूरे रंग की जंगली बकरी है पश्चिमी घाट नीलगिरी अन्नामलाई और नीलीपैथी नीलगिरी तहर के निवास स्थान है नीलगिरी तहर तमिलनाडु राज्य का पशु भी है और नीलगिरी तहर को नीलगिरी आई के नाम से भी जाना जाता है तो उसको भी याद रखना है बाकी नीलगिरी का पठार भी तमिलनाडु में ही है नीलगिरी का पठार पठार

ऑप्शन आपके होंगे जो सही होगा इस इसके इस क्वेश्चन के अनुकूल कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके अलावा भारत में कुछ महत्वपूर्ण नदिया के स्रोत के बारे में देखते हैं तो बमपूत नदी आपका कैलाश मानसरोवर जी से निकलता है सिंधु नदी आपका कैलाश मानसरोवर जी से निकलता है बमपूत नदी आपका जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है सिंधु नदी आपका अरब सागर में गिरता है झेलम नदी आपका शेषनाग जिल से गिरता है चिनाब नदी आपका बारदाचार डरा से निकलता है राबी नदी आपका रोहतांग दरा से सतल नदी आपका कैलाश पर्वत से गंगा नदी गंगोत्री से नम्रा नदी में पर्वत से निकलता है तो इस बात को भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया असम का जो बिहू त्यौहार है वो आपका क्यों मनाया जाता है तो असम का बिहू त्यौहार आपको बताते हैं कि फसल कता, फसल कटाई उत्सव है ठीक है फसल का पैदावार अच्छा होता है उस कारण आपका असम का देव बिहू है वो मनाया जाता है साथ में असम का त्यौहार तो बिहू है ही साथ में असम का नृत्य बिहू है बिहू तो इसको भी याद रखना है एक बार प्रश्न बना कि असम निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नेर्त बिहू है और आपका उसका तो भी है तो इसका राइट आंसर बिहू था ठीक है तो बहू भारतीय राजस्थ में तीन महत्वपूर्ण समय त्यौहार तो में से एक है एक आपका रोंगाली या भुहाग विहू जो कि अप्रैल में माना जाता है एक आपका कोंगाली या काटी विहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है एक आपका भूगाली या माघ विहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के डी एस डी ट्रिपल एस वी मेट्रोन के फर्स्ट टाइम पूछे गए थे तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जिन लोगों का सेकंड सीट में एग्जाम था वो लोग कमेंट में कॉम्पिटिशन को लिखेंगे साथ में व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं अगर आपको बताने का मन होगा तो व्हाट्सअप नंबर पर भी बता दीजिएगा जिनका भी सेकंड सिट में या कल एग्जाम हो ठीक है निन्यावे तिहत्तर चौहत्तर वन ट्रिपल सिक्स से बाकी टेस्टबुक के हैप्पी आवर शेल्स जुड़ने के लिए लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो इसको भी आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए सही